हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप आगे कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जॉब करना है या सीटीआई में एडमिशन लेना हो, अप्रेंटिस करना हो या कोई पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मस्ट है या कंपलसरी कहिए कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट कहाँ से मिलेगा। आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप अपने कॉलेज में जाके अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले सकते हैं, या आप इसे अपने प्रोफाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका रिज़ल्ट आपके मेल पे आया था तो आपने पूरा डिटेल देखा होगा। उसके सबसे लास्ट में नीचे आप देखिएगा, सबसे नीचे में नोट में लिखा है द सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट वुड बी अवेलेबल एट योर ITI ऑन द कन्वोकेशन डे 17 सितंबर 2022। मतलब कि हर एक ITI में कन्वोकेशन डे होने वाला है जिसमें सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और मार्कशीट दिया जाएगा। 17 सितंबर को आप अपने कॉलेज से जाके इसे ले सकते हैं। और जो दूसरा तरीका हमने बताया कि इस फाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए देखिए आप अपने प्रोफाइल से इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोफाइल से डाउनलोड करने के लिए आपको अपना मोबाइल में गूगल पेज ओपन करना पड़ेगा। उसमें आपको NCVT MIS सर्च करना पड़ेगा। NCVT MIS सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाला जो लिंक है NCVT MIS, इसे ओपन करिएगा। तो इस तरह का आपका NCVT का होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद तीसरे वाले सेक्शन में वो ट्रेनिंग करके लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ट्रेनिंग में। उसके बाद फिर ट्रेनिंग प्रोफाइल में, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोफाइल का आपका पेज खुल जाएगा। इसमें आपसे डिटेल मांगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करना पड़ता है। तो चलिए एक डिटेल एंट्री करके देखते हैं किस तरह का पेज ओपन होता है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके स्टार्टिंग में कैपिटल R लगाएंगे, उसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे। सभी डिटेल फिल करने के बाद हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आपका नेम, ट्रेड, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपका इसमें इंटर रहेगा। उसमें आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे में आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दिया रहेगा। फर्स्ट ईयर के सामने आप देख सकते हैं मार्कशीट फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकंड ईयर के सामने सेकंड ईयर का मार्कशीट दिया है। और जब उसके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट सर्टिफिकेट, प्रिंट कंसोलिडेटेड मार्कशीट, मतलब यहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और कंसोलिडेटेड मार्कशीट कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो 2 साल का कोर्स है उनका दोनों ईयर का कंबाइंड मार्कशीट आएगा, और जो 1 साल का है उनका 1 साल का ही मार्कशीट इसमें रहेगा। तो आप इस वाले पोर्शन से मार्कशीट फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का कंबाइंड डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर फर्स्ट ईयर का डाउनलोड करना है तो मार्कशीट पर क्लिक करेंगे हम, तो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ईयर का मार्कशीट ओपन हो गया। बताया कि सर्टिफिकेट आपको ITI में 17 सितंबर को मिलेगा। उसके पहले तक अभी इस पर डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन 17 सितंबर के बाद आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 17 सितंबर का। अगर आप ITI से लेना चाहते हैं तो ITI से ले सकते हैं। अगर आप ITI नहीं जाना चाहते हैं तो 17 सितंबर के बाद आप अपने प्रोफाइल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट डाउनलोड या जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।